Assalamu alaikum students, today I'm going to teach you how to discuss about the picture description. Okay, this is the picture of a village which we have done in primer B of page number 48. तो प्यारे बच्चों आज हम इसकी picture description करेंगे. हमने इसकी reading कर ली है. Well, look at the picture. सबसे पहले आपने पिक्चर को देखना है, गौर से देखना है और बताना है ये पिक्चर कहाँ की है. वेरी गुड, लुक एट द पिक्चर. कहाँ की पिक लग रही है आपको, ये पिक्चर कहाँ की लग रही है? हाँ जी, वेरी गुड, आई कैन हेयर यू. बताएं, इट इज अ पिक्चर ऑफ अ विलेज. वेरी गुड, सो वेरी गुड. सबसे पहले हमने क्या बताना होता है कि ये पिक्चर कहाँ की है, आपको कहाँ की लग रही है. अच्छा बच्चों, तो अब मेरी बात आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी है. आप लोग ये जो सेंटेंस है ना, इट इज अ पिक्चर ऑफ अ विलेज, इसके बाद जो आपने सेंटेंस बनाना है उसको आप देयर आर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. देयर आर के साथ आप थिंग्स सारी बता सकते हैं जो उस पिक्चर में, या आई कैन सी के साथ भी आप बता सकते हैं. उसके बाद आपने लास्ट में लाइन के लिखना होता है इन इट, यानी कि इसमें हैं. ठीक है, अब मैं आपको एक दफा पूरा सेंटेंस बताऊंगी. ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पूरा बताऊंगी. It is a picture of a village. There are trees, a boat, hut, train, clouds, sun, a man, bull cart, and a lake. ठीक है, in it उसके बाद क्या आएगा, in it यानी कि इस पिक्चर में है. उसके बाद आपने पिक्चर को मजीद डिस्क्राइब करना है, मोर डिस्क्राइब करना है. आपने बताना है क्या चीज क्या हो रही है, क्या कौन क्या कर रहा है. जिस तरह आप लोग प्रेपोजिशंस का यूज करते हुए आप चीजों का इस तरह भी बता सकते हैं, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड, द ट्रेन इज गोइंग ऑन हिज ट्रैक, कि ट्रेन जो है अपने ट्रैक पे जा रही है. द मैन इज सिटिंग ऑन द कार्ट. और आपको इस पिक्चर में क्या लग रहा है, द कार्ट इज मिडल इन द मिडल ऑफ द रोड, द क्लाउड इज इन फ्रंट ऑफ द सन. क्लाउड कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ द सन. द बोट इज इन द लेक, लेक में है ना बोट. ठीक है, तो आपने इससे भी ज्यादा आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. हर एक चीज को आपने डिस्क्राइब करना है और बहुत अच्छे से करना है. इसके अलावा भी आपने और पिक्चर्स की भी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.